हे गाइस, सतीश है फ्रॉम एस के वेब स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हमने जो भी फाइल अपनी एडिट करी है, जो भी वीडियो एडिटिंग की है, उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको यूज़ में ला सकें। ठीक है, सो मैंने अपना शॉर्टकट ऑलरेडी ओपन कर रखा था। ठीक है, और ये कुछ बेसिक चेंजेस किए थे मैंने बिल्कुल सैम्पल दिखाने के लिए। जैसे कि देखिए, इस पर मैंने बस एक छोटा सा ट्रांजिशन डाला है ये दो वीडियोज़ के बीच में। ठीक है, अब इस फाइल को हम एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप कोई भी फाइल के अंदर चेंजेस करते जाते हैं, कोई भी एडिटिंग करते हैं, साउंड चेंज करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट पैक डालते हैं, तो फाइल को आप सेव जरूर कीजिए। मतलब जैसे ही आपने चेंजेस किए उसको सेव कर लीजिए, ताकि अगर सॉफ्टवेयर किसी कारण से बंद हो जाता है या क्रैश हो जाता है, ठीक है, वैसा होता नहीं है ऐसा जल्दी, बट अगर हो जाता है तो आपका जो भी आपने मेहनत की है, जो भी एडिटिंग की है, वो आपकी ख़राब ना जाए। ठीक है, तो आप इसको सेव करते रहिए। सो अब देखते हैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट, देन एडवांस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ वीडियो रेजोल्यूशन, आपने जिस वीडियो रेजोल्यूशन में बनाई वीडियो यहाँ ऑटोमेटिक शो कर देगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाई है आपने तो 1920x1080 मतलब आप कर सकते हैं सेलेक्ट यहाँ पर। एंड उसके बाद में आप यहाँ कोडेक पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड क्वालिटी 100% कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप कुछ मत छेड़िए इसके लिए। एंड ऑडियो, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। फाइल का जो भी नाम देना है आपको, ठीक है, एंड इसके बाद में कहाँ सेव करनी है आपको, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। ठीक है, एंड सेव कर देता हूँ। ठीक है, एंड कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर, आप देखिएगा कुछ टाइम बाद में ये ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट हो जाएगी फाइल आपकी। सो गाइस, देखिए ये पूरी एक्सपोर्ट हो चुकी है वीडियो, एंड इसको हम प्ले करके देखते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे ये भी इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए जो ट्रांजिशन इफेक्ट हमने डाला था, फिर एक्सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अब। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।